खगड़िया जिले के राजेंद्र चौक बाजार में जहां बीते दिन लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लोगों को हजारों की संख्या में एक साथ इकट्ठा देखने के बाद जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस कप्तान मीनू कुमारी ने खुद मोर्चा संभालते हुए चेकिंग अभियान चलाकर दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाया। प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान इलाके के लोगों को सही तरीके से इसे पालन करने के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी। बाजार में पुलिस प्रशासन ने गली गली में घूमकर लोगों को जागरूक किया, साथ ही बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों और मनचलों को जमकर पिटाई भी की। वहीं बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले लोगों को भी सख्त हिदायत देते हुए नजर आई। दूसरी तरफ प्रशासन के लोग लगातार बाजार में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए नसीहत देते नजर आए। खगड़िया से शमशेर बहादुर की रिपोर्ट। देखिए अभी कोरोना संक्रमण जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, यहाँ पे भी वो लागू है और लगभग 100% हम लोग लॉकडाउन प्रभावी बनाए हुए हैं। लगातार वाहन चेकिंग, डिफरेंट जो प्लेसेस हैं जहाँ पे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके हैं उन सब जगहों पर डिप्लॉयमेंट है, हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। लगातार हम लोग पैदल से गाड़ियों से गश्त करते रहते हैं और कोई भी अगर उस उल्लंघन के लिए दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। रोहतास में करघर विधायक विशिष्ट सिंह ने बंटवाया जरूरतमंदों के बीच मास्क एवं साबुन। एक तरफ सरकार असहाय एवं जरूरतमंदों के लिए भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रही है, तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों के हाथ भी आगे बढ़ गए हैं। रोहतास से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। कोरोना से प्रभावित सभी लोगों के चाहे सभी बचाव के लिए माननीय विधायक द्वारा सैनिटाइजर, साबुन और मास्क का वितरण हो रहा है। हम लोग के मिला है कि बताइएगा प्रखंड स्तर पर, हम प्रखंड दक्षिण आते सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर वितरण करेंगे ताकि कुछ में मैं अपना प्रभाव जमा रह सके कोरोना, इसलिए बचाव के लिए हम सब जागृत कर रहे हैं। बिहटा के बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थानीय लोगों के द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। बिहटा से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। पूरे देश में जो कोरोना महामारी के कारण सभी लोग आज आक्रांत है, उसी के लिए जो हम लोगों के बिहटा क्षेत्र में जो स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी एवं सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मी जो सारे लोग सेवा दे रहे हैं, कोरोना महामारी में अपना जिंदगी दांव पर लगाकर सभी समाज का सेवा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को आज हम लोग धन्यवाद देने के लिए आ गए हैं। कोरोना वायरस के चलते सामाजिक संस्था बढ़ चढ़कर गरीब तबके के बीच जाकर राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं और इससे गरीब तबके के घरों में खाने की व्यवस्था हो पा रही है। उन्हीं में से एक संस्था जिनका नाम द आई के तरफ से भी गरीब तबके के लोगों के लिए राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसमें कि विकलांग, विधवा और असहाय लोगों के बीच राहत सामग्री दिया जा रहा है। भागलपुर से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। संस्था के थ्रू ये बांटा जा रहा है। हम लोग द आई एक संस्था है जिसमें कि कोरोना वॉरियर्स ग्रुप एक चारी भोलसर के तमाम युवा नवयुवक गण है, जिसके तहत हम लोग जो निसहाय, जो विकलांग, जो हमारी माता बहने विधवा हैं, उनको हम लोग राशन बांटने का काम कर रहे हैं। कितने लोग को अभी तक आपने वितरण किया? अभी तक में आज मोटा मोटी मान के चलिए 100 आदमी को दिए हैं और फिर हम लोग का एक चारी पंचायत में 4 बजे से प्रोग्राम है बांटने का, वहां पर भी हम लोग जा रहे हैं। यहां तो बांट चुके हैं इस जगह, फिर एक चारी पंचायत के 4, 5, 6 नंबर वार्ड में जाना है, फिर पुनः कल से जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग का ये राशन वितरित का काम चलते राशन रहेगा। क्या क्या आप सब दे रहे हैं? राशन में जैसे चावल देते हैं, आटा देते हैं, दाल देते हैं, आलू का सब्जी बनाने के लिए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन जहां जगह जगह पर रोकथाम कर रही है, वहीं कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। रानी तालाब थाना अंतर्गत काब गांव में लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते देखा गया। बिहटा से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना
सर क्या कारण है कि अचानक आपके बैंक में भीड़ उमड़ पड़ी? क्योंकि सरकार की बहुत सी योजनाओं का पैसा लगातार आ रहा है जी, आना शुरू हो गया है, लोगों की जानकारी हो गई है उचित माध्यम से, और लोग इसीलिए जितने भी खाताधारी हैं एक बैंक टूट पड़े हैं। हालांकि उनको लगातार समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये करें, लेकिन फिर भी गांव घर के लोग हैं वो चले आ रहे हैं। तो इसके लिए स्थानीय थाने को भी सूचना दी गई है, वहां से भी पेट्रोलिंग गाड़ी आई थी, उन्होंने भी सहयोग किया है और अपने स्तर से भी हम इसका प्रयास कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है सर बैंक में आपका? क्यों नहीं किया जा, चूँकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैंने पब्लिक समझ नहीं पा रहे। नीचे देखिए मैंने ताला बंद कर दिया हुआ है और वहीं से लोगों का पासबुक और निकासी लेकर के आ सर। बछवाड़ा बेगूसराय में कोरोना कहर की त्रासदी जहां आम आवामों के लिए महामारी घोषित है, वहीं पंचायतों के मुखियाओं के लिए मलाईदार साबित हो रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन तो कर दिया है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट के तौर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निजात के लिए भी कई तरह के द्वार खोल दिए हैं। वहीं सरकार द्वारा धनराशि मुहैया कराने जाने के बाद भी कोरोना के प्रति जागरूकता एवं इसके प्रचार प्रसार को स्थानीय मुखिया के द्वारा संवेदनशीलता से नहीं लिया जा रहा। सही मायने में अगर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो एक बड़ा घोटाला का उजागर हो सकता है। बछवाड़ा बेगूसराय से रिपोर्ट। समाज सेवी ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कुछ कार्यों से जताई नाराजगी। गया जिला के डुमरिया प्रखंड की रिपोर्ट। लोग जब 3 तारीख को प्रधानमंत्री का हुआ तो हम लोग को लगा कि लॉकडाउन में उनकी तरफ से कोई जनता के लिए देश के लिए कोई बड़ा संदेश होगा, उनके अपने उसमें होगा कि भाई इस तरह से उनको राहत दी जाएगी, उनको मदद की जाएगी। हम लोग एक उम्मीद बना के बैठे थे कि कुछ देश को कुछ मिलेगा, मगर इन्होंने कहा कि भाई 5 तारीख को सारे लोग देशवासी मोमबत्ती लेके जलाएंगे 9:09 पर। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो 5 तारीख को मोमबत्ती जलाया ये देश की किस हिसाब से देश को ये खुश देखी, ये जनता मर रही है भूख से, परेशान हो रही है, ये मोमबत्ती जलवा रहे हैं। मोमबत्ती का मतलब दिया का तो मतलब ये खुशी का इजहार करना। पटना से सटे नौबतपुर में एक अधेड़ का शव बरामद। ये घटना नौबतपुर विक्रम मुख्य मार्ग NH 139 का बताया जा रहा है। वहीं थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। ना पता है यार है। आप देखो